के खाने में एक दिक्कत है, उसमें वो चटाका नहीं है ना, अरे वो जो बाहर के खाने में आता है, अरे वो डीप फ्राइड तला हुआ, अरे अनहेल्दी सा, मुझे देख के तो लगता ही होगा ना कि बहुत अनहेल्दी खाता होगा। तो आज हम बना रहे हैं एक ऐसी अनहेल्दी रेसिपी, इसके लिए बहुत हेल्दी रेसिपी है, साबुदाना वड़ा बना रहे हैं हम लोग। तेल का थोड़ा इशू है, लेकिन अब जब भगवान जी के लिए आप इतना सब कर ही रहे तो उतना तो आपको दे ही सकते हैं। सलाम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मनराज, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट की दुकान, और आज हम बनाने जा रहे हैं साबुदाना वड़ा। और साबुदाना वड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए साबुदाना। क्रिस्पी साबुदाना वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए साबुदाना और 4 से 5 आलू भी। आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए, 2 से 3 बारीक कटे हरे मिर्च, 1/2 इंच जिंजर, 2 टेबलस्पून शाही जीरा, 9 से 10 क्रश्ड पीनट्स, 1 टेबलस्पून शुगर, 1/2 कप सोक्ड साबुदाना, एटलीस्ट 8 घंटे, फ्रेश कोरिएंडर। चलिए तो हमारे मिक्सचर को अच्छे से मिला लेते हैं। टडा, हमारा मिक्सचर तैयार है। चलिए तो हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं और इसके छोटे छोटे बॉल्स या फिर टिक्की बना लेते हैं। एक जरूरी सूचना, आलू का प्रपोर्शन साबुदाना से डबल रखेगा, वरना आपकी टिक्की टिकेगी नहीं। अब तो इजी है, मीडियम हॉट ऑयल पर कढ़ाई में इसे 3 से 4 मिनट डीप फ्राई कीजिए। टडा, तो हमारे साबुदाना वड़ा तैयार है। इसे सर्व कीजिए मसाला चाय के साथ। जनाब, जब एक हाथ में वो चाय की प्याली और दूसरे हाथ में वो साबुदाना वड़ा, तो तुम कौन और मैं कौन, कौन इसके सामने रह सकता है खड़ा। क्या बात, देखो अब साबुदाना वड़ा, ये मैं कैसे दिखाऊं, रुक जाओ, आया। तो जनाब, दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली मेरे हाथ में है ये साबुदाना वड़ा। जस्ट किडिंग, 12 से 15 मिनट अगर आपने साबुदाना को रात को भिगो के रख दिया है, आपके हाथ में होगा साबुदाना वड़ा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, टेस्ट में कैसा है खुद ही देख लो। खुद ही के मुंह से खुद ही की रेसिपी की, खुद ही की कुकिंग की तारीफ करूंगा तो आप मानोगे तो नहीं, मैं अपनी मम्मी की कुकिंग की तारीफ करता हूँ। आप सबने साबुदाना की वो चकरी खाई है, वो डीप फ्राई करके हम लोग खाते हैं, फास्ट में बहुत खाते थे, स्कूल में डब्बों में ले जाते थे, याद है? एग्जैक्टली, इसका वही टेस्ट है। एक्चुअली मेरी मम्मी की ज्यादा अच्छी है, लेकिन दिस इज रियली नाइस, रियली। और स्पेशली पता है इसमें वो जीरे का जो फ्लेवर मिल रहा है ना, इतना क्रिस्पी है कि मैं अब भी आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाय, सो आई एम बैक, हाथ में लेकर एक छुरी और साबुदाना वड़ा। अब कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि बहुत क्रिस्पी है, ये है वो है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना क्रिस्पी है। ये देखो, सुनाई दे रहा है? इसे कहते हैं क्रिस्पी साबुदाना वड़ा। जब हाथ में हो क्रिस्पी साबुदाना वड़ा, घड़ी में बज रहे 4, लगी हो पेट में जोरों से भूख, तो और क्या चाहिए। डू ट्राई दिस रेसिपी और मुझे लिख के जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और हाँ, अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ये आपके लिए नहीं है, इसके लिए डू सब्सक्राइब द चैनल और उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे हर नए ऐसे रेसिपीज के वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। मेरा नाम है मनराज गढ़वी, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट की दुकान, साइनिंग ऑफ।